हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। आज वीडियो में बात करें दोस्तों यूपी बीएड जेईई 2024 के अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। आपको बीएड का फॉर्म कैसे भर सकते हैं इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों बीएड के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिकॉर्डिंग वीडियो मिलती रहती है इस चैनल पर। कोशिश करता हूँ सबसे पहले आपके बना के लाऊँ, तो बस अपना प्यार बने रखिए, ऐसी देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकारीरिजल्ट.com पे आना है। फीस वगैरह की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ड्रेस की 1400 रुपये फीस है, एससी एसटी की जो है 700 रुपये है, एससी एसटी की 700। लेट फीस आपकी जो है यहाँ पे जनरल ओबीसी ड्रेस की 2000 और एससी एसटी की 1000 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। मतलब जो लेट फीस आप करोगे। 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 13 मार्च 2024 लास्ट डेट रखी गई है। एडमिट कार्ड आपका 17/4/2024 में आ जाएगा और रिजल्ट आपका 30 मई 2024 में आ जाएगा। काउंसलिंग की बात करें जून में आपकी दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी नीचे आना है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे वो आप थोड़ा समझेंगे। आप नीचे आना है, अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने ये आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये आपको भरना है, कैसे कैसे भरना है वो आप थोड़ा समझते रहिए, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ आई एग्री करिए, सबमिट करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम है। दोबारा से नाम डालना पड़ेगा दोस्तों, हर चीज़ 2 बार डालनी है आपको। फिर पिताजी का नाम डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है 10th की मार्कशीट में। दोबारा से आप डालिए अपने पिताजी का नाम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम डालना है, दोबारा से नाम, पिताजी का नाम, दोबारा से पिताजी का नाम, माताजी का नाम वेरीफाई करने के लिए दोबारा से ना, डेट ऑफ बर्थ दोबारा से वेरीफाई करनी है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा दो बार ईमेल आईडी। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे आपको कैप्चर मिलता है, कैप्चर आप डालेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों ये आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको कैसे कैसे भरना है थोड़ा आप समझेंगे, आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, आप बने रहिए बस वीडियो पे, वीडियो को पूरा वॉच करिए। यहाँ पर सबसे पहले आप जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप मैरिड है एंड मैरिड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड है तो आप जीवन साथी का नाम आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इनमेरिट करेंगे। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन आएगा, उसके बाद आपका राज्य कौन सा है वो आप फिल करेंगे अपना। उसके बाद 10th क्लास आपने यूपी से किया है, यस करेंगे। उसके बाद 12वीं क्लास भी यूपी से किया है, यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने 12वीं यूपी से किया है, तो इसे भी आप यस करेंगे, ग्रेजुएशन यूपी से की है। उसके बाद श्रेणी आपकी जाति कौन सी है, आप जनरल है, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी आप सेलेक्ट करिए दोस्तों। फॉर्म भरने का तरीका सबका एक ही है, कोई भी कास्ट है आपकी। उसके बाद आपका अगर आप यहाँ पर जनरल को छोड़ कर बाकी और कास्ट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे जाति आपसे पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको जाति का नंबर अपना फिल करना है। उसके बाद आप दिव्यांग है, विकलांग है तो यस करिए, विकलांग का प्रकार चुनेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद पहचान आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, वोटर आईडी, अदर जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आपका दूसरा है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस अपना फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह, ये सारा कुछ आप यहाँ पर डाल दीजिए दोस्तों, जो भी आपको ठीक लगे।
उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने बाद अगर आपका ये एड्रेस, वो दोनों एड्रेस सेम है तो आप इसे यस कीजिए और दोनों में एक से एड्रेस आप डाल सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, वो आप देख लीजिए आपका अलग अलग है या एक ही है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं तो आपको मैं बता दूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना। उसके बाद आपका लेफ्ट एंड राइट आपका थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, दोनों थोड़ा स्पेस करके लेफ्ट का और राइट का एक साथ आपको थंब लगाना है और उसे अपलोड करना है। उसके बाद जाति आपको अपलोड करनी है अपनी, जो भी आपकी जाति है वो आप अपलोड करेंगे। 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा 12वीं का मार्कशीट आप अपलोड करिए, 10वीं का। उसके बाद आपसे पूछा है आधार कार्ड में जो आपने आईडी सेलेक्ट किया है वो आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ अपलोड करनी है और यहाँ पर अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देगा ये जो ऑप्शन आपका दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रीम ऑप्शन फॉर बीएड, आप बीएड किस से करना चाहते हैं, आर्ट से करना चाहते हैं, कॉमर्स से करना चाहते हैं, साइंस से करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, जिससे भी आपको करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कृपया प्रश्न पत्र के भाषा सिलेक्शन के लिए भाषा का चयन करें, तो किस भाषा में आप अपना एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका हाई स्कूल की डिटेल आपको डालनी है। सबसे पहले बोर्ड का नाम, आपने ICI, UCBSE या UP बोर्ड या अदर बोर्ड जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। कुल मार्क्स आपके कितने आए हैं वो आप फिल करेंगे हाई स्कूल में, और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं वो आप डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद पासिंग ईयर आपका क्या था वो आप फिल करेंगे, और उसके बाद आपको उसका 10वीं का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे जहाँ से आपकी फाइल रखी है, वहाँ से आप उठाएंगे और यहाँ से आप अपलोड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको 12वीं के लिए बोला गया है, तो 12वीं की आपने बोर्ड कौन से किया है वो आप सेलेक्ट करिए। टोटल नंबर आपके कितने कितने मिले हैं आपको मार्क्स वो आप फिल करेंगे, कितने में से आपको मिले हैं वो आप डालेंगे। उसके बाद परसेंटेज आ जाएगी, डेट ऑफ पासिंग आपको डालना है अपना जो भी आपने पास किया है डेट ऑफ पासिंग में। उसके बाद उसका 12वीं का मार्कशीट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अपलोड होने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन आपका पास है या अपेयरिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग में भी अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे अप्लाई अपेयरिंग पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर किस से कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करिए, जोन से भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको स्कूल का नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डाल के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आप पास है तो आप इसे यस कीजिए, आपने पास पे आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम मतलब, उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था है? जो है BCom का वो आप फिल करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग आपका कब था वो आप डालिए। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितने मिले हैं आपको वो आप फिल करेंगे। उसके बाद कितने में से आपको मिले हैं वो आप फिल करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। वैसे आपको उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आपका डाटा सेव हो जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अगर आपका इनमें से कोई भी आपने किया हुआ है तो आप इसे यस कर सकते हैं। पढ़ लीजिए दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन जो जो यहाँ पे बोले गए हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी है आपका तो यस करके यस कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा, नेक्स्ट पेज आएगा आपका। यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम सेंटर डालना है, 5 एग्जाम सेंटर डलेंगे। तो पहला मैं एग्जाम सेंटर यहाँ पर देख लेता हूँ, एक हो गया, उसके बाद दो, तीन आपका, उसके बाद दोस्तों आपको 3 5 एग्जाम सेंटर यहाँ पर डाल देना है इस तरह से जैसे मैंने डाल दिया है, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। तो ऐसे इस तरह से आप डाल दीजिए। उसके बाद आपकी अमाउंट दिखा दी जाएगी,
अब तीनों में से आपको एक पे टिक करके अपनी पेमेंट कंप्लीट करना है। जो भी आपको टिक लगेगा उस पर आप टिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, कैप्चा डालेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी ये पेमेंट के ऑप्शन पर ले गया है, आप पेमेंट में आपको बता देते हो कैसे करनी है। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपको पेमेंट करनी है उससे आप पेमेंट कर पाओगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और पेमेंट करने के बाद ही आप बीएड का एडमिट कार्ड, वो सॉरी अपना प्रिंट आउट, फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म भर लीजिए यूपी बीएड का। कैसे कैसे फॉर्म भरना है वो प्रोसेस मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए, शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों वीडियो को।